की बैठक की अगर हम जीस्ट पे जाएंगे तो जीस्ट उसका रोजगार उन्मूलक रहा। युवाओं को, नौजवानों को रोजगार देने के लिए नवाचार भी आज की बैठक में रहे। आज मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई। इस युवा अन्नदूत योजना के अंदर अभी तक जो राशन की सप्लाई का काम प्राइवेट ठेकेदार करते थे, अब ये उनसे लेकर बेरोजगार युवकों को मुख्यमंत्री उद्यमी दिया जाएगा और मुख्यमंत्री योजना के तहत इन बेरोजगार बच्चों को गाड़ी भी दिलवाई जाएगी, लोन भी दिलवाया जाएगा, ब्याज की व्यवस्था की जाएगी। 888 बच्चों को प्रथम चरण में ये लाभ इसके अंदर दिया जाए। बड़वानी, छतरपुर, गुना, खंडवा, सिंगरौली और विदिशा में नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालयों के लिए 336 शैक्षणिक, 200 अशैक्षणिक, कुल 536 नवीन पदों का निर्माण आवर्ती व्यय की स्वीकृति की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई है। 12,658 लाख रुपए की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। निर्माण और अनुरक्षण कार्य के लिए सिविल विंग को भी मंजूरी दी गई है। अभी तक मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टर में से ही कोई डॉक्टर आके चादर की व्यवस्था, पलंग की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था देखते थे, अब उस विंग को अलग किया है डॉक्टरों को डॉक्टरी काम में और दूसरी विंग को अलग किया गया है। इसके लिए 121 नवीन पदों के सृजन की आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। मध्य प्रदेश नरवाई विनिष्टीकरण में नंबर वन है, नष्ट करने के मामले में, खत्म करने के मामले में, और इसलिए आज इस दिशा में राज्य सरकार ने नरवाई को भी रोजगार से जोड़ने का तय किया है। अब इसमें नरवाई के लिए जो भूसा बनाएंगे जो लोग गाय के लिए, क्योंकि इतनी नहीं जल जाए कि भूसा ही नहीं बचे चौपों को, तो उस भूसा बनाने वाली मशीन को अब जो हमारे सभी किसान हैं, चाहे वो लघु हो, सीमांत हो और कुछ बड़े किसानों को छोड़कर, उन सबको 50% की सब्सिडी दी जाएगी। एससी एसटी, लघु सीमांत, महिला और छोटे सभी किसानों को, बड़े कुछों को छोड़कर। इसी तरह से बड़े किसानों को भी 40% दी जाएगी। गौशालाओं जो है, गौशाला अगर लेना चाहे इस मशीन को, नरवाई वाली को, तो उनको भी 40% सुविधा दी जाएगी। सरकार की दृष्टि से हम बड़ी हुई देखें तो जो खाद्यान्न पर कमीशन, परिवहन, पीएसओ मशीन के अतिरिक्त कमीशन की राशि बढ़ाने का भी आज निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया है। अभी तक जो राशन वितरण की दुकानों पर कमीशन 70 रुपए था, उसे बढ़ाकर अब 90 रुपए प्रति क्विंटल किया। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकानें, जहां 200 से अधिक राशन कार्ड है, पूर्णकालिक विक्रेता को अब 10,500 रुपया महीना दिया जाएगा। अगर इसको हम आगे और बढ़ाएं, जहां 200 रुपए से कम है राशन कार्ड, वहां 6,000 रुपया महीना दिया जाएगा। अंशकालिक विक्रेता होंगे, अब 3,000 उनको भी दिया जाएगा। जो दुकान विहीन पंचायतें हैं, वहां नवीन दुकान खोलने के लिए 1,514 के लिए 6,000 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा। हैंडलिंग मद में प्रति क्विंटल 65 से बढ़ाकर अब 70 किया गया है। पीओएस अतिरिक्त मार्जिन की राशि 17 क्विंटल से बढ़ा के अब 21 प्रति क्विंटल की गई है। 50% राशि के अतिरिक्त अब 52.20 करोड़ प्रतिमाह इस पर व्यय करने का कैबिनेट के द्वारा तय किया है। मुख्यमंत्री मछली विकास योजना, मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत जो हमारे छोटे किसान हैं, मत्स्य पालने वाले किसान हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित आज किए गए हैं कैबिनेट के द्वारा। इससे हमारे जो माझी केवट समाज के लोग हैं, उनको बड़ा लाभ इसके साथ में मिलने